हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। पशु परिसर भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखो इसका जो विस्तृत सिलेबस है उसकी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस आपका यहाँ पर बहुत ही दो लाइन में दोस्तों सिलेबस दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो दोस्तों तो आपके लिए संपूर्ण कोर्स हमने फ्री कर दिया है, साथ में दोस्तों नोट्स भी मिलेंगे, बुक के बारे में दोस्तों बात करेंगे और कैसे अब हमें तैयारी करना है, क्योंकि आपको पता होगा आपका एग्जाम दोस्तों 21 सितंबर को लगने वाला है। मतलब दोस्तों परीक्षा के लिए केवल और केवल यहाँ पे 6 से 7 महीने हैं और इन 6-7 महीने दोस्तों आप बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बात करें, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो नंबर है इस नंबर को आप सभी साथी सेव कर लेना और हमारे पास में मैसेज भेजना दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपको सभी कोर्स के दोस्तों जितनी भी दो क्लासेज है वो सभी क्लासेज आपको यहाँ पर भेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में कि क्या पशु परिसर का विस्तृत सिलेबस है, क्लास नोट्स और बेस्ट बुक दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, देखो पशु परिचर में आप सभी को पता होगा 150 क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों 150 नंबर का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पेपर होता है, इतना तो आप सभी को पता है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों 150 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन दोस्तों केवल और केवल किसके आएंगे, पशुपालन के आएंगे, मतलब दोस्तों भाग बी पशुपालन दोस्तों ये क्या है भाग बी है, इसका दोस्तों एक इसमें क्या है भाग ए है। भाग ए में दोस्तों भाग ए में देखो यहाँ पे बात करें तो जितना भी दोस्तों जीके है राजस्थान जीके वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें करंट जीके आपको तैयार करना है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साइंस आपको तैयार करनी है और मैथ दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ये देखो दोस्तों देख सकते हो इसमें टोटल 3 घंटे की क्या आपकी समय अवधि है और इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होगा, 1/4 क्या है इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना, 1/4 यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर दोस्तों जो बिंदुवर्त सिलेबस है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सभी साथी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे भाई, जो भी साथी क्लास में जुड़ गए सभी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं भाग बी मतलब 45 नंबर का दोस्तों जो आपका यहाँ पर मैटर है उसकी बात करें तो सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पे इसमें जो टॉपिक है वो दोस्तों पशुपालन की आपके लिए क्लास भी दोस्तों हो रही है, कितनी बजे चल रही है दोस्तों सुबह 9:15 पर, ठीक है ना, सुबह 9:15 पर दोस्तों लगभग दोस्तों हमने लगभग दोस्तों आधा सिलेबस अपना हो चुका है। देखो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक अपने हो गए यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे बात करें पशुपालन से संबंधित शब्दावली दोस्तों, इसके अलावा दूध उपलब्धता, अंडे की उपलब्धता, मांस की उपलब्धता दोस्तों, देसी नस्लें दोस्तों ये अपना चैप्टर हो चुका है, कृत्रिम गर्भाधान दोस्तों ये भी हमने कर लिया है, बदियाकरण दोस्तों ये भी अपना हो गया, ऊन कतरन दोस्तों, संकर प्रजनन दोस्तों ये भी हमने कर लिया, भार ढोने वाले पशु दोस्तों हो चुके हैं अपने, वर्मी कंपोस्ट खाद दोस्तों हमने कर लिया है, दुग्ध दोहन दोस्तों ये आपके दिया हुआ है और इसके अलावा दुग्ध स्त्रवण काल है, दूध उत्पादन है दोस्तों, पशु कुक्कुट प्रबंधन दोस्तों ये अपना हो चुका है, अपशिष्ट निस्तारण दोस्तों ये अभी बाकी है, संतुलित आहार कर लिया दोस्तों हमने, चारा और चारागाह विकास दोस्तों हो चुका है, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान और अंत और बाह्य परिजीवी दोस्तों ये भी हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ और टॉपिक है जैसे कि पशु बीमा है, पशु बीमा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें पशु मेले, जनगणना, पशु गणना दोस्तों हो चुकी है अपनी यहाँ पे, टीकाकरण और पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, दूध और अंडों का देश और राज्य में उत्पादन स्थान, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गौमूत्र का उचित निष्पादन और पशुधन उत्पादों का विपणन, और दोस्तों लास्ट एक और यहाँ पे डेयरी विकास गतिविधि और पशुपालन की योजनाएं। आप लोग सर ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो गया दोस्तों, बड़ा सिलेबस नहीं है, जितने भी ये टॉपिक है आपने अगर दोस्तों डेली क्लास ले रहे हो तो पता होगा हर दिन एक टॉपिक दोस्तों यहाँ पर क्या है बिल्कुल अपना कंप्लीट हो जाता है, तैयारी आपको बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको पहले दोस्तों थ्योरी करवाते हैं उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें भाग ए मतलब 105 नंबर का दोस्तों भाग ए होता है, जिसमें देखो कला संस्कृति और इतिहास में दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ पे राजस्थान के किले, राजस्थान के महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मस्जिद, देवी देवता, संत संप्रदाय, लोकगीत, भाषा साहित्य, चित्रकला, हस्तकला, मेले त्यौहार, वेशभूषा, आभूषण और वाद्य यंत्र, दोस्तों ये आपके कला संस्कृति के चैप्टर है।
वहीं अगर हम बात करें इतिहास के जो चैप्टर दोस्तों, राजस्थान ऐतिहासिक स्रोत है, सभ्यता, 1857 की क्रांति है दोस्तों, एकीकरण है, रियासतें है दोस्तों, कृषक और जनजाति आंदोलन है, और प्रमुख राजपूत वंश। आप बोलोगे सर राजपूत वंश इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी मतलब शासक है ना यहाँ पे कंप्लीट इसमें आ गए, चाहे जयपुर के दोस्तों बात करें, चाहे मेवाड़ के बात करें, चाहे दोस्तों यहाँ पे मारवाड़ के बात करें दोस्तों, ठीक ना, कंप्लीट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके इतिहास का सिलेबस है। अब देखो यहाँ पे एक जो बचा हुआ है राजस्थान भूगोल, काफी साथी मतलब मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं बार बार कि सर राजस्थान भूगोल नया आएगा या पुराना आएगा। देखो दोस्तों हमें यहाँ पर नया ही पढ़ना है, देखो आपकी एग्जाम सितंबर में लगने वाली, तब तक दोस्तों देखो सब कुछ नया जीके हो जाएगा। तो आपको दोस्तों राजस्थान भूगोल नया जीके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके क्लास होती है, सभी साथी जुड़ जाइएगा। और इसमें दोस्तों स्थिति विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, नदी तालाब झीलें हैं, जलवायु मिट्टी वनस्पति मरुस्थलीकरण पशुधन कृषि जनगणना सिंचाई परियोजना अभयारण्य है परिवहन खनिज संपदा और प्रमुख उद्योग। दोस्तों ये आपके राजस्थान भूगोल के टॉपिक का, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये जो सेशन दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा, अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों देखो सिलेबस की कंप्लीट बिंदु और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस की दोस्तों, जो क्लास है आप सभी के लिए अब से होने वाली है। साइंस की क्लास दोस्तों डेली सुबह 8 बजे, 8 बजे दोस्तों साइंस की क्लास अब आपके लिए होने वाली है। साइंस में दोस्तों अपने दो तीन टॉपिक ऑलरेडी हमने कर लिए हैं कंप्लीट दोस्तों, क्लासेज की PDF आपको मतलब जो क्लासेज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जैसे ही आप अपना दोस्तों चैनल खोलोगे वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साइंस में दोस्तों सामान्य विज्ञान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ईंधन है, और इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा और उष्मा, लेंस, दर्पण, दृष्टि दोष, इसके अलावा मानव रोग है दोस्तों जो कि हमने कर लिए हैं, पोषक पदार्थ, जंतु और पादप, वर्गीकरण, अणु परमाणु, पादपों का भोजन और श्वसन, अम्लसार, धातु अधातु पदार्थों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ध्वनि प्रकाश और ध्वनि, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, हाँ बहुत ही दोस्तों देखो ये आपके क्या है 10th लेवल तक की साइंस आएगी, 10th लेवल तक दोस्तों साइंस आने वाली है, जो कि ऑलरेडी आपके लिए क्लासेस चल रही है। लास्ट दोस्तों यहाँ पर बात करें मैथ्स की दोस्तों, कि मैथ्स में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। आपका एक दोस्तों कमेंट ये भी था कि सर साइंस और मैथ दोनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन साइंस और मैथ दोनों को मिलाकर आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैथ्स में दोस्तों ये नंबर सिस्टम है, जो कि आपको काफ़ी दिनों पहले ही दोस्तों करवा दिया गया था, ठीक है ना। नंबर दोस्तों नंबर सिस्टम है, बहुत दिनों पहले दोस्तों हो चुका है। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दोस्तों हो चुका है। भिन्न फ्रैक्शन सरलीकरण दोस्तों कर लिया हमने। एलसीएम एचसीएफ अमन अनुपात समानुपात दोस्तों अपना हो चुका है। प्रतिशत हमने कर लिया। लाभ हानि दोस्तों अपना हो गया यहाँ पे। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है। औसत दोस्तों अपना हो चुका है। आयु समय चाल दूरी समय कार्य मजदूरी और क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री दोस्तों ये आपके मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है ना। लगभग 15 टॉपिक है और 15 ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा दोस्तों क्यों सवाल ये था कि सर सामाजिक अध्ययन की क्लासेस क्यों नहीं लगाते, सामाजिक अध्ययन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। समसामयिक की मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है करंट जीके, ठीक है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों करंट जीके। अब करंट जीके के दोस्तों आपके परीक्षा में 10 क्वेश्चन आएंगे, और हमने दोस्तों आपके लिए बोला है कि करंट जीके आपको हर महीने में एक क्लास मिलेगी, बड़ी क्लास होगी, पूरा महीने का दोस्तों करंट अफेयर उसी क्लास में करा देंगे। दोस्तों करंट जीके क्लास आपके लिए एक हो चुकी है, एक अगली क्लास दोस्तों मार्च में हो जाएगी। अब बात करें सामाजिक अध्ययन में दोस्तों देखो कुछ नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना, 2-4 क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। एक बार दोस्तों जैसे ही अपना सिलेबस हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम सामाजिक अध्ययन भी दो दोस्तों क्वेश्चन आने लायक है वो यहाँ पे पढ़ लेंगे। सामाजिक अध्ययन में दोस्तों इतिहास, भूगोल, संविधान, इनके बारे में दोस्तों क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आप सभी का क्वेश्चन था कि सर राजस्थान पॉलिटी भी आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों देखो दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के बारे में आपके सिलेबस में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बार अगर हम सिलेबस कर लेंगे उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी भी आपको करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना वो बता देंगे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये तो हुई सिलेबस की बात, आप सभी साथी बोल रहे थे कि सर हमें कोई किताब बता दीजिए ताकि हम किताब से भी पढ़ लें यहाँ पे। तो देखो दोस्तों किताब की बात की ये करें तो देखो जीके है ना, एक तो जीके और एक पशुपालन, ये दो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखो दोस्तों जीके में हमने देखा है कि जीके में दोस्तों जितनी भी एग्जाम होती है उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों जीके के लिए दिशा पब्लिकेशन लेकर आ जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, पिछले परीक्षाओं के क्वेश्चन के लिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन बुक लेके आ जाना, ठीक है ना, या मुंबल के दोस्तों बुक लेकर आ जाना।
पशुपालन भाग भी में दोस्तों किसी भी राइटर की एक बुक लेके आ जाइए अगर आप चाहते हो। नहीं तो दोस्तों देखो, आपके लिए पशुपालन की कंप्लीट क्लासेज सुबह चल रही है, बिना किसी दोस्तों किताब के भी आप सुबह 9:15 वाली क्लास में पढ़ सकते हो। आधा सिलेबस हो गया, आधा दोस्तों एक महीने में करा देंगे आपको, ठीक है ना। अब बात करें कि सर साइंस में कैसे करें, साइंस की दोस्तों क्लासेज चल रही है, क्लासेज से साइंस कर सकते हो। मैथ्स के लिए दोस्तों आपको बुक लानी पड़ेगी, मैथ्स के लिए आपको बुक लानी पड़ेगी। तो मैथ्स के दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो आप आरएस अग्रवाल लेकर आ जाइए, आरएस अग्रवाल दोस्तों जो बुक है वो आप लेकर आ सकते हो। अब आप बोलोगे सर हमें तैयारी के लिए हमारे लिए टेस्ट भी निकालिए, तो दोस्तों टेस्ट के लिए देखो आपके लिए एक फ्री टेस्ट दोस्तों हमारा जो ऐप है लॉगिन स्टडी का दोस्तों वहाँ पर एक फ्री टेस्ट आपको दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें पशुपालन भाग बी के भी टेस्ट दीजिए, तो दोस्तों उसकी भी हमने देखो अरेंज कर दिया, पशुपालन भाग बी और दोस्तों इसके अलावा कंप्लीट फुल टेस्ट दोस्तों ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ओनली 99 रुपीज़ में दोस्तों ये मिल जाएगा, ठीक है ना, केवल और केवल 99 रुपीज़ में पशुपालन भाग बी और कंप्लीट फुल टेस्ट दोस्तों आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर हमें पिछली क्लासेज के नोट्स चाहिए, दोस्तों नोट्स देखो आपको पिछली क्लासेज जितनी भी दोस्तों ये क्लासेज हो गई इन सभी क्लासेज के जो नोट्स है वो आपको हमारा जो ऐप है लॉगिन स्टडी का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर दोस्तों ई बुक का ऑप्शन आता है ऐप में, ठीक है ना, ई बुक का ऑप्शन आएगा दोस्तों ऐप में, वहाँ पर आप नोट्स भी दोस्तों पार्ट बी के ले सकते हो, ठीक है ना, पार्ट बी के दोस्तों नोट्स भी आप सभी साथी ले सकते हो, बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपके लिए फ्री में किया गया है, सब कुछ दोस्तों आप सभी के लिए फ्री में किया गया है। उम्मीद है अगर आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं तो सभी का सिलेक्शन से हो रहा है भाई, क्योंकि दोस्तों जितनी भी क्लासेज हो रही है टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर करवाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप हमारा दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लेना, और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको क्लासेज की डेली पीडीएफ दोस्तों दी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऐप डाउनलोड करके ईबुक वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पर दोस्तों देखो नीचे आपको पशुपालन भाग भी है, सभी क्लासेज की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो दोस्तों, एक टेस्ट आपके लिए क्या है, एक टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है, बाकी टेस्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ दोस्तों क्या है कॉस्ट करना पड़ेगा। कंप्लीट तैयारी दोस्तों आप यहाँ से जुड़कर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को अब कोई डाउट नहीं हो यहाँ पे दोस्तों होगा, और बाकी मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो एक फ्री टेस्ट है दोस्तों ये आपको व्यू डेमो पर आपको ये एक फ्री टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।